बड़े भाई लेकिन कल की पार्टी आया, मजा है वो अपूर्वा। हाँ पूरा है, अरे टाइट तू। हाँ मैं भाई साहब। आप लोग इतने मक्कार और जलील इंसान निकले कि मुझसे बदला लेने के लिए तुम लोगों ने मां का इस्तेमाल किया, उसे धक्के मार मार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बस बस बंद कर अपनी बकवास। मां कैसी मां? तुम और तुम्हारी वो बुढ़ी मां इसी की हकदार थी, समझे तुम? भाई साहब अगर मां के बारे में भी अशोक भैया, वो बुढ़िया हमारे लिए सिर्फ एक जरिया थी तुम्हें आसमान से जमीन पे लाने का। हवा में उड़ने का बहुत शौक है ना तुमको? ममेट, जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है ना उसकी कीमत तो तुम सबको चुकानी ही पड़ेगी। अरे कीमत तो तू चुका रहा है अशोक रमन, तू याद कर किस तरह तुमने बाबूजी की नजरों में हमें जलील किया था, जलील। और उस दिन भाई गॉड हमने कसम खाई थी कि हम जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर लेंगे चैन की सांस नहीं लेंगे। उसके बाद बहुत दफा हमने कोशिश भी की लेकिन तेरी किस्मत इतनी बुलंद थी कि तू अब तक बचता रहा बचता रहा। तुम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस बेताबी से हम सही वक्त आने का इंतजार कर रहे थे। और वाह वाह रे भगवान, मौका भी दिया तो इतने सालों के बाद। क्या करें, मां के सामने रो गा के नाटक करना पड़ा। अरे कायरो, अगर मुझसे मुकाबला ही करना था तो बिजनेस में करते। लेकिन अब तो हमने मुकाबला ही खत्म कर दिया। और याद रहे, आज के बाद तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे अशोक रमन, क्योंकि अब तुम्हारे पर कट चुके हैं। और वो पंछी जिसके पर कट जाते हैं वो कभी आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं करता। और हाँ, तुम चाहो तो एक मेहरबानी तुम्हारे ऊपर हम अभी भी कर सकते हैं। वो क्या है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है अशोक बाबू, जब कभी भी रोटी पानी की किल्लत हो सीधे हमारे ऑफिस चले आना। एक चपरासी की नौकरी तुम्हारे लिए हमेशा वहां पे रहेगी, फौरन आके ज्वाइन कर लेना, वरना अपनी उस मनहूस बुढ़ी। लेखा अशोक, अशोक पंचम हाथ छोड़, मैं कहता हूं हाथ छोड़ पंचम। लगता है सारे संस्कार और शर्म आप लोग ने बेच दिए हैं। इन हाथों को अपने आंसुओं को पोंछने के लिए बचा कर रखिए और आइंदा मेरे डैड पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। चलिए डैड,